हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, बीटी यूपी के फोर्थ सेमेस्टर में सभी ब्रांच में कॉमन विषय होता है जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। कोड नंबर इसका देखिए, अधिकतम 50 अंक का होता है, 2.5 घंटे का समय रहता है। तो ये पेपर फरवरी में जो अभी परीक्षाएं हुई थी उसका ये पेपर है। तो हमेशा एक बात कही जाती है ना कि अगर एग्जाम अच्छे से देना है, अच्छे अंक लाना है, तो पूर्ववर्ती जो पुराने प्रश्न पत्र हैं कम से कम 2-3 साल के जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए। तो बच्चों, उसी क्रम में ये पेपर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व भी करेंगे, यानी पूरे पेपर का हम सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो आप इसमें निर्देश देख पा रहे हैं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, और ये जो बोथ वर्जन्स की बात की जा रही है, तो मैं बता दूं कि सी एस सेकेंड जो है ये एक सिर्फ इंग्लिश में आता है और इंग्लिश में ही इसको लिखना होता है, इसमें हिंदी का कोई काम नहीं होता है। बाकी जो पेपर्स होते हैं टेक्निकल वाले, वो हिंदी इंग्लिश दो वर्जन होते हैं, दोनों में से आप हिंदी इंग्लिश या मिक्स करके जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इंग्लिश ही होती है और इंग्लिश में ही आपको जवाब भी देना होता है। तो इसमें देखिए, आप पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोपोजिशंस, दूसरा है फ्रेम द क्वेश्चंस फॉर द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और तीसरा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शंस। तो ये तीन हो गए, और चौथा वाला जो आप देखिए, ये आपका ये सर्कुलर लिखने के लिए या फिर रिपोर्ट बनाने के लिए आता है। पांचवा भी आता है अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें लेटर्स वगैरह लिखने के लिए तीन में से कोई दो करना है। उसके बाद छठा जो होता है वो एक पैसेज होता है, पैसेज पूरा पढ़ के उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको आपको जवाब देना रहता है। तब आप देखिए कितना है, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14, 15 नंबर का तो खाली इसमें पैसेज आता है। यदि कोई स्टूडेंट इसमें अच्छे से जवाब दे ले सारे प्रश्नों का, और उसके बाद लेटर राइटिंग और ये सारी चीजें उसको आती हो, तो इसमें पास होना बहुत आसान है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, चूंकि इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम होती है, विशेष तौर से जो यूपी वाले स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड के, तो उनको दिक्कत होती है, तो वो नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या हो सकता है। पूरा पेपर हमने सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व किया है, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। तो ये बच्चों देखिए, पूरा पेपर सॉल्व किया है, वही ये फरवरी में जो पेपर हुए थे ये वही पेपर है। इसमें आप देखें तो पहले नंबर पे आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस, यानी आपको खाली जगह दी गई है ये चार, इसमें जो खाली जगह ये तीन तक प्रश्न जो हैं उसमें आपका सही है, तो पूरे के पूरे अंक मिलना है। तो ये बहुत ही स्कोरिंग होते हैं पहले तीन प्रश्न, क्वेश्चन 1, 2 और 3। तो इसलिए बच्चों, जिसको आता है कंजक्शन भरना है और या प्रीपोजिशन है या कोई और इस तरीके के जो पूछ रहे हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए, तो वो सारे बिल्कुल परफेक्ट आपने सही कर दिया, 100% मार्क्स मिलना है। तो प्रीपोजिशन भर के आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, चार हैं आपको, चार नंबर के आपको रहेंगे। तो आई एम ए लिटिल सस्पिशियस, खाली जगह हिज ट्रू इंटेंशंस, तो इसमें आ जाएगा ऑफ ओएफ। दूसरा है बच्चों शी टुक, खाली जगह हर शूज बिकॉज दे वर डर्टी, तो इसमें शी टुक ऑफ ओ डबल एफ आ जाएगा, शी टुक ऑफ हर शूज बिकॉज दे वर डर्टी। सी है आई हैव नॉट सीन सिंस लास्ट संडे, लास्ट संडे आ रहा है यानी टाइम की बात हो रही है, तो इसमें आ जाएगा सिंस लास्ट संडे। चौथा है योर आर्गुमेंट इज क्वाइट, खाली जगह द पॉइंट, तो इसमें आ जाएगा क्वाइट बिसाइड द पॉइंट, मतलब बिसाइड का मतलब होता है बहुत नजदीक है उस चीज के। तो और एक होता है बिसाइड्स, बी एस आई डी एस, उसका मतलब होता है के अलावा या कुछ अन्य, तो वो नहीं आएगा इसमें, योर आर्गुमेंट इज क्वाइट बिसाइड द पॉइंट। तो ये इस तरीके से ए बी सी डी चार आप कर सकते हैं, चार नंबर आपके पक्के। तो इस तरीके से बच्चों, अगर आप प्रीपोजिशंस के अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और जो अन्य जो मैं आप बात करने जा रहा हूं कंजक्शंस की या सेंटेंसेस बनाने की, तो आप सोचिए इसमें 100% मार्क्स आपको मिलना है, कोई मार्क्स कटौती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। दूसरा देखिए आप, फ्रेम द क्वेश्चंस फॉर द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चार हैं आपको, चार नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो एक सेंटेंस दिया हिज फादर डाइड, खाली जगह लास्ट ईयर, तो यानी लास्ट ईयर ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसके आधार पर आपको प्रश्न बनाना है कि इससे क्या प्रश्न पूछा गया कि जिसका आंसर ये हुआ। तो हिज फादर डाइड लास्ट ईयर, यानी उसके पिता की मृत्यु पिछले साल हुई, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डिड हिज फादर डाई, यानी कि लास्ट ईयर मतलब टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो टाइम के लिए किससे प्रश्न बनता है, when से, तो when when did his father die। दूसरा है I met John yesterday, John के बारे में पूछ रहा है, तो John मतलब कोई एक व्यक्ति है, John नाम है किसी व्यक्ति का, तो yesterday, तो whom did you meet yesterday, ये देखिए whom मतलब किससे, तुम yesterday मतलब बीता हुआ कल, आप किससे मिले थे, Whom did you meet, तुम किससे मिले थे, तो whom did you meet yesterday, इसका आंसर क्या होगा, I met John yesterday। तो इस तरीके से whom लगा करके ये आपका प्रश्न बन जाएगा। तीसरा है He finished his studies in 2003,
इन 2003 को अंडरलाइन किया गया, यानी इसमें कहीं क्या हो रहा है, टाइम की बात हो रही है। तो जब भी आ रहे टाइम तो वैन आ जाएगा, तो वैन डिड ही फिनिश हिज स्टडीज, तो इसका आंसर देखिए ये हो रहा बन रहा है ही फिनिश्ड हिज स्टडीज इन 2003। डी है आई रिसीव्ड द पार्सल इन द मॉर्निंग, द पार्सल को अंडरलाइन किया गया है और इन द मॉर्निंग, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डिड यू रिसीव द पार्सल, तो तब इसका आंसर देखिए हो रहा है आई रिसीव्ड द पार्सल इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से बच्चों यदि आपने सारे टेंसेस पढ़े हैं, आपको सारे रूल्स पता हैं, तो सिंपल है बिल्कुल, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं और पूरे 100% मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो आई रिसीव्ड द पार्सल इन द मॉर्निंग, इसका प्रश्न बनेगा व्हेन डिड यू रिसीव द पार्सल। तो इस तरीके से चार नंबर पक्के हो गए। अब तीसरे नंबर पर प्रश्न में आते हैं, इसके दो पार्ट हैं ए और बी, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शंस, ये दो हैं, दो नंबर के हैं। जैसे वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल, ये खाली जगह यहाँ पर थी, तो वॉक केयरफुली मतलब केयरफुली देख सुनकर के चलो, अच्छे से संभल करके, अन्यथा लीस्ट मतलब अन्यथा यू शुड फॉल, तुम गिर जाओगे, क्या हुआ वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। दूसरा है द ट्रेन लेफ्ट, खाली जगह आई रीच्ड द स्टेशन, तो द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मतलब ट्रेन जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो मेरे जाने के पहले ही, बिफोर आई रीच द स्टेशन यानी मेरे जाने के पूर्व भी ट्रेन क्या थी, लेफ्ट यानी कि जा चुकी थी। तो इस तरीके से दो नंबर आपके ये 100% पक्के। इसी तरीके के जवाब प्रैक्टिस करेंगे बुक से या कहीं से भी, तो इसी तरीके की सेंटेंसेस तमाम मिलते हैं और वही देखिए मिलते जुलते कहीं ना कहीं के वो पूछ लेते हैं और उसमें ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं यदि आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया है। फिर इसका बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, चार हैं, चार नंबर के हैं, यानी ब्रैकेट में ये आपको एक वर्ब दी है तो उसमें खाली जगह दी है, तो कह रहे हैं इस वर्ब का सही फॉर्म आपको इसमें फिल करना है। तो सी खाली जगह दिया है सिंस लास्ट वीक, इल दिया है, इल मतलब होता है बीमार होना, तो ये क्या है सिंस लास्ट वीक, सिंस शब्द का आया तो हैज बीन, हैव बीन आएगा, तो सी के साथ हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, सी हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, यानी वह पिछले वीक से क्या है बीमार चल रही है, तो सी हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, तो इल के साथ क्या आ जाएगा हैज बीन इल, इसमें फिल कर देंगे, पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, ही खाली जगह चेस और यहाँ ब्रैकेट में जो वर्ब दी है वो प्ले, तो व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, ही वाज प्लेइंग, ये पास्ट की बात हो रही है, तो ही वाज और वाज वर्ब के साथ क्या आता है वर्ब प्लस आईएनजी, तो ही वाज प्लेइंग चेस, तो प्ले का क्या हो जाएगा, एक तो वर्ब लगानी पड़ेगी आपको, तो ही के साथ वाज आएगा और प्लेइंग चेस, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, तो ये दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा है गोपाल खाली जगह टू ए जिम्नाजियम एवरी मॉर्निंग, तो गो का है, गो को आपको लगा है, तो गोपाल क्या है एक व्यक्ति का नाम है, तो उसके साथ एस या ई एस लगे, ई एस लगेगा, तो गो का हो जाएगा गोज, गोपाल गोज टू जिम्नेजियम एवरी मॉर्निंग, यानी गोपाल क्या करता है प्रत्येक सुबह जिम्नेजियम जाता है। आई खाली जगह है इन दिस हाउस फॉर फाइव ईयर्स, समय की बात हो रही फॉर फाइव ईयर्स मतलब पांच साल से इस घर में रह रहा हूं, तो लिव का आपको लिव वर्ब दी है, तो लिव का क्या हो जाए आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर फाइव ईयर्स, मैं इस घर में पांच साल तक रहा, क्या था आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर फाइव ईयर्स, मतलब पांच साल तक मैं इस घर में रहा, तो लिव के साथ में क्या हो जाएगा हैज या हैव लगता है, तो आई के साथ हैव लगेगा, तो हैव और लिव का जो थर्ड फॉर्म है वो लिव्ड हो जाएगा, तो आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर फाइव ईयर्स। तो इस तरीके से आप देखिए पूरे नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, तीन प्रश्न पूरे 100% स्कोरिंग है, पूरे सही तो पूरे मार्क्स आपके पक्के। चौथे प्रश्न में आते हैं राइट ए सर्कुलर अपीलिंग टू द एम्प्लॉई एम्प्लॉयज टू डोनेट ब्लड, कह रहे हैं एक सर्कुलर आप लिखिए जो अपील करता हो, मतलब जो लोगों से अपील करे एम्प्लॉयज से, एम्प्लॉयज मतलब होता है कर्मचारी, जैसे कोई कंपनी है उसमें एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी कार्य करते हैं, तो उनसे कई बार ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए जाते हैं, वो आते हैं कैंप लेने के लिए, तो उनको बताना पड़ता है कर्मचारियों की कि ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है कंपनी में, आप सभी लोग क्या है तैयार रहिए और ब्लड डोनेट करिए, तो इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करने को कहा जा रहा है। अब कंपनी भी हो सकती है, कोई संस्था भी हो सकती है, वहाँ भी कर्मचारी होते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक संस्थान है तो वहां पर प्रिंसिपल की तरफ से ये सर्कुलर जारी हो सकता है, अपील करनी की जा सकती है कि भाई आपका एक ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है उसमें आप लोग ब्लड डोनेट करिए, तो दोनों चीज हो सकती हैं, अथवा इसमें करें दो में से एक करना, ये सात नंबर का है, या तो ये कर दीजिए या फिर दूसरा ये कह रहे हैं ड्राफ्ट ए रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज
अबाउट द फायर इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन द लैब ऑफ द कॉलेज। कह रहे एक रिपोर्ट ड्राफ्ट करिए कॉलेज के मैनेजमेंट के लिए। मान लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ मैनेजमेंट होता है, तो एक रिपोर्ट तैयार करना है जो कि फायर इंसिडेंट मतलब आग लगने की घटना हो गई थी लैब में, विच टुक प्लेस इन द लैब ऑफ द कॉलेज। कॉलेज की एक लैब है, कोई भी हो, मान लीजिए केमिस्ट्री लैब, आप मान लीजिए कि वहाँ आग लगने की घटना हुई थी उस लैब में, तो उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना करके आपको मैनेजमेंट को भेजनी है। तो ये कौन कर सकता है? ये एक टीचर कर सकते हैं। टीचर जो होते हैं वो रिपोर्ट बनाते हैं और वहाँ पर कॉलेज को सबमिट करते हैं कि इस दिन ये आग लगने की घटना हुई थी और इसमें ये इस तरीके की हानियाँ हुई हैं और भविष्य में इनको रोकने के लिए ये उपाय किए जाएं, वही सब रिपोर्ट में आता है। तो इन दोनों में से एक करना है, लेकिन मैंने आपके लिए दोनों एक तैयार कर दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर भविष्य में कभी पूछा जाए तो इसमें आपको पता होना चाहिए। अगर बुक से अगर सिंपल दिया है आपको लग रहा है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। सॉरी, तो पहला है राइट ए सर्कुलर अपीलिंग टू द एम्प्लॉयज़ टू डोनेट ब्लड। मतलब एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों को एक सर्कुलर जारी करना है ये अपील करने के लिए कि आप ब्लड डोनेट करिए। तो सबसे पहले जिस कंपनी की तरफ से जो किया जा रहा है जारी, वहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। तो एक उदाहरण के लिए माइंड में बैठा लीजिए, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है, तो उस कंपनी का नाम लिख देना है। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, प्राइवेट लिमिटेड XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पर डेट आ जाएगी, सब्जेक्ट देखिए आ गया ब्लड डोनेशन ड्राइव, वही बात हो रही है कि ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाने के लिए आपको अपील करनी है। फिर उसके बाद डियर एम्प्लॉयज यानी प्रिय कर्मचारी, ये सबके लिए है। तो फिर देखिए, आई एम राइटिंग टू यू टुडे टू अपील फॉर योर हेल्प इन द सपोर्टिंग ऑफ अवर लोकल ब्लड बैंक। मतलब मैं ये लेटर आपके अपील आज लिख रहा हूँ किसके लिए, आपकी सहायता के लिए कि आप जो लोकल ब्लड बैंक है उसमें सपोर्ट करें। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, ब्लड इज़ ए प्रेशियस रिसोर्स दैट इज एसेंशियल फॉर सेविंग लाइफ। ब्लड क्या है, एक बहुत ही बेशकीमती रिसोर्स है, संसाधन है, जो कि जिंदगियों को बचाने के लिए एसेंशियल यानी आवश्यक है, अति आवश्यक है। एवरी 2 सेकेंड समवन नीड्स ब्लड, प्रत्येक 2 सेकेंड में किसी न किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू टू कंसीडर डोनेटिंग ब्लड। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप कृपया जो ब्लड डोनेट करने पर विचार करें, कंसीडर डोनेटिंग ब्लड। इट्स ए सिंपल सेफ प्रोसीजर दैट कैन लिटरली सेव ए लाइफ। ये एक सिंपल यानी सरल और सुरक्षित प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, जो कि किसी की जिंदगी बचा सकता है। एंड इट्स समथिंग दैट एवरीवन कैन डू, और ये ऐसी चीज है कि कोई भी कर सकता है, एज लॉन्ग एज जब तक यू आर हेल्दी एंड मीट द बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। जब तक आप हेल्दी हैं और जो आवश्यक कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई चक्कर ना आते हो, कोई बीमारी ना हो इस तरीके की, उसको पूरा करते हो। फिर इसमें पूरा बता दीजिए कि कब कब है, देयर विल बी ए डोनेशन ब्लड डोनेशन ड्राइव हेल्ड एट अवर कंपनी, हमारी कंपनी में 25/5 कुछ भी डेट आप डाल दीजिए। आज जैसे लेटर मान लीजिए सपोज करिए लिख रहे हैं, तो 3 दिन 4 दिन बाद आगे की डेट डाल दीजिए। तो हम कह रहे हैं 25/5/2023 को हमारे यहाँ होना है, 10 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक रहेगा। तो उसमें द ब्लड डोनेशन ड्राइव विल बी हेल्ड इन हॉल नंबर 2, जगह भी बता दीजिए कि किस जगह पर, हॉल नंबर 2 में, रूम नंबर 1 में, रूम नंबर 3 में। ऐसे डोनेटिंग ब्लड इज़ ए क्विक एंड ईजी वे टू मेक डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अदर्स। बिल्कुल आसान और सरल बिल्कुल तरीका है दूसरे की जिंदगी में अंतर लाने का, ब्लड डोनेट करके हम ला सकते हैं। प्लीज़ कंसीडर डोनेटिंग ब्लड एट अवर अपकमिंग ब्लड डोनेशन ड्राइव, योर डोनेशन कुड सेव ए लाइफ। मतलब प्लीज़ आप डोनेट ब्लड डोनेट करने को पर विचार करिए, इस आने वाली जो ब्लड डोनेशन ड्राइव है, योर डोनेशन कुड सेव ए लाइफ, आपके द्वारा दिया गया ब्लड किसी की जिंदगी बचा सकता है। थैंक्स फॉर योर कंसिडरेशन, यहाँ लिख दिया जाता है, टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस और लिख दीजिए। बेस्ट रिगार्ड से एक बना लीजिए, कंपनी की तरफ से जो सीनियर मैनेजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा, चीफ मैनेजर होगा, कुछ भी पदनाम डाल दीजिए। एक काल्पनिक नाम मान लीजिए जॉन सीनियर मैनेजर कॉन्टैक्ट, यहाँ पर लिख दीजिए कुछ भी 00 करके कि कॉन्टैक्ट उनका होगा। तो इस तरीके से बच्चों शब्द को समझ करके कि आपको लिखने के लिए क्या कह रहा है, उससे संबंधित मैटर सारा का सारा लिख दिया जाता है जो आसानी से आप समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर कंसिडरेशन, टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, ये पूरा लिख दिया। तो इस तरीके से आप समझ करके बना सकते हैं। ड्राफ्ट रिपोर्ट टू द, मैंने जो और करके लिखा था चाहे इस पर कर लीजिए चाहे उसको, दो में से आपको एक करना था। माई कॉलेज अबाउट द फायर इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन द लैब ऑफ द कॉलेज। तो इसमें कॉलेज जो लैब में, जो किसी कॉलेज में लैब में कोई आग लगने की घटना हुई, तो रिपोर्ट बना करके भेजना है। तो वो मान लीजिए मैनेजमेंट को दिया जाता है या वहाँ के प्रिंसिपल जो होते हैं कॉलेज के उनको दिया जा सकता है, या वहाँ के मैनेजमेंट को, टू द मैनेजमेंट भी आप लिख सकते हैं, XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज न्यू दिल्ली
और फ्रॉम कहाँ से, कोई लेक्चरर दे रहा होगा या कोई टीम दे रही होगी, तो जॉन एक काल्पनिक नाम लिख दीजिए, लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या अदर कुछ भी। सब्जेक्ट रिपोर्ट ऑन फायर इंसिडेंट इन द कॉलेज लैब, कॉलेज की लैब में हुई जो फायर इंसिडेंट की घटना है, और 20 मई 2023। तो ये बच्चों सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, डेट डाल दीजिए किस डेट की है, टाइम 2 PM, लोकेशन केमिस्ट्री लैब, ये पूरा बताते चलिए। मान लीजिए लोकेशन जहाँ पर आग लगने की घटना हुई थी, इंसिडेंट इसमें बताना है, हेडिंग है इसमें बता देना है कि क्या इंसिडेंट घटना हुई थी। फायर ब्रोक आउट इन द केमिस्ट्री लैब एट XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑन May 20, 2023, मतलब जो भी डेट है, कुछ भी काल्पनिक मान करके जो भी आपको ठीक लगे, कितने बजे और किस वजह से हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से, वो सब लिखते जाना है। डैमेज यानी नुकसान क्या क्या हुआ इसमें पूरा बता देना है। कैजुअल्टीज तो नहीं हुई किसी तरीके की, क्या कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों के अंदर धुआं चला गया आग की वजह से। एक्शन टेकन, एक्शन क्या लिया गया, एक्शन ये लिया गया कि फायर जो एक्सटिंगुइशर्स होते हैं उनकी वजह उनसे प्रयोग करके आग बुझा दी गई, ठीक है बच्चों। और कॉलेज इस इन्वेस्टिगेटिंग, ये सब पूरा क्या क्या एक्शन लिया गया, क्या हुआ। रिकमेंडेशन यानी आपको फ्यूचर के लिए क्या आपकी राय है, जिसमें ऐसा क्या आपके विचार हैं कि जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, तो इसमें वो भी दे दिया जाता है कि ये सब करना चाहिए, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग देनी चाहिए स्टूडेंट्स और स्टाफ को, और कंक्लूजन लास्ट में लिख दिया जाता है। और फिर ये सब नीचे लिख करके पूरा का पूरा बता दिया जाता है, और नीचे जिसने रिपोर्ट सबमिट की है उसका पूरा नाम और पूरा पदनाम आ जाता है। तो इस तरीके से अगर ऊपर लिख दिया है आपने, तो फिर वहाँ लिखने की नीचे ज़रूरत नहीं है, साइन आप करके उसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पांचवें नंबर पर आ जाते हैं, इसमें 3 दिए हैं, ऑप्शन ABC अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, 7 नंबर का एक है, यानी 2 14 नंबर के हुए, तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला देखिए है, राइट ए कंप्लेंट लेटर टू Amazon ऑनलाइन शॉपिंग फॉर रिसीविंग द प्रोडक्ट यू ऑर्डर्ड आर डैमेज। पहले इसको समझना जरूरी है कि Amazon ऑनलाइन शॉपिंग को आपको एक कंप्लेंट लेटर यानी शिकायती पत्र भेजना है, फॉर रिसीविंग द प्रोडक्ट यू ऑर्डर्ड आर डैमेज, मतलब जो आपने ऑर्डर किया था एक उत्पाद वो डैमेज मतलब खराब निकल गया है, ये एक हो गया। दूसरा है, राइट ए लेटर टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉर इररेगुलर पावर सप्लाई इन योर नेबरहुड, मतलब आपके आस पड़ोस में अनियमित पावर की सप्लाई हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को यानी विद्युत विभाग को आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। और तीसरा है बच्चों, राइट ए लेटर टू इग्नू, IGNOU है ये गलती से हो गया, इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आस्किंग फॉर द करेस्पॉन्डेंस कोर्स विच यू वांट टू डू, मतलब इग्नू को क्या करना है, एक लेटर लिखना है कि करेस्पॉन्डेंस के थ्रू आप एक कोर्स करना चाहते हैं उसके संबंध में। तो ये आपका तीसरा हो गया। आप 3 में से जो आपको आसान लगते हो उन 3 में से 2 का लिख लीजिए। पहला जैसे कंप्लेंट लेटर लिखना है तो अपना पूरा लिख दिया जाता है कि कौन लिख रहा है, नाम पता, जैसे जॉन लिख रहा है, न्यू कॉलोनी दिल्ली, कुछ भी डाल दीजिए, पिन कुछ भी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल, तो ये हो गया। भेजने वाले का पता सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद डेट यहां पर लिख दीजिए, जिसको भेजा जा रहा है तो Amazon कस्टमर सर्विस को भेज रहे हैं न्यू दिल्ली, कुछ भी पता, पिन कोड डाल दीजिए काल्पनिक, डियर Amazon रिप्रेजेंटेटिव पूरा बता दीजिए कि मैं लेटर लिख रहा हूं, मैंने एक ऑर्डर किया था इस डेट को, जब ऑर्डर मुझे मिला वेबसाइट से ऑर्डर करने के बाद तो वो डैमेज्ड था, मुझे बहुत दुख हुआ, और इस तरीके की सारी चीजें आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके, इसको नोट करके और अपने हिसाब से बना करके सब चीजें पूरा मैटर लिख दिया जाता है कि मैं जो है, तो उम्मीद है मुझे पूरी कि आप इसको चेंज करके मुझे नया उत्पाद जरूर देंगे, और सिंसियरली नीचे लिख करके अपना नाम, एक जॉन मान लीजिए काल्पनिक नाम की जो लेटर लिख रहा है। तो ये हो गया पहला। दूसरा है, राइट लेटर टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लिखना है कि अनियमित पावर सप्लाई आ रही है, तो अपना नाम पता पूरा, मोबाइल और ईमेल सब लिख करके, जिसको भेजा जा रहा है, और डेट यहाँ पर, मतलब इसका फॉर्मेट सबका सेम है, जो कंप्लेंट लेटर या इस तरीके के लेटर भेजे जाते हैं। इसके बाद यहाँ लिखिए टू हूम इट में कंसर्न, मतलब जिससे भी संबंधित है, वहाँ आप पदनाम नहीं पता है, पूरा बता दीजिए कि आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट द इरेगुलर पावर सप्लाई इन माई नेबरहुड, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत घंटों जो हो तो पढ़ाई में मेरी डिस्टर्ब होता है, या मैं एक प्रोफेशनल हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं स्टडी नहीं कर पाता हूँ, अगर स्टूडेंट के रूप में आप लिख रहे हैं, पूरा इसमें वही सब बता करके सब करके, और सिंसियरली जॉन यहाँ आप नाम लिख करके कर दीजिए। सी है, राइट ए लेटर टू इग्नू का आस्किंग फॉर द करेस्पॉन्डेंस कोर्स विच यू वांट टू डू, इग्नू को वही फिर फॉर्मेट है, वही अपना नाम पता ईमेल पूरा लिख करके डेट, और उसके बाद वहाँ इग्नू को, तो वहाँ डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू IGNOU,
इग्नू भवन मैदान गढ़ी, और ये न्यू दिल्ली में है, ये पिन कोड है, या कुछ भी आप जो ठीक लगे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको याद हो। और सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर करेस्पॉन्डेंस को डियर सर मैडम करके और पूरा यहाँ बता दीजिए कि मैं ये मैंने आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, या मैं मैनेजमेंट से ग्रेजुएशन किया है और मैं MBA करना चाहता हूँ करेस्पॉन्डेंस के माध्यम से, तो क्या आप, मैंने ये सारा चीज़ लगा रखी, DD लगा रखी है 1000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में, तो मेरे प्लीज़ कंसीडर माई एप्लीकेशन, और एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, ये मुझे मौका मिलना चाहिए जानने का, वही सब लिख करके यहाँ, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन सिंसियरली जॉन। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। छठा जो है, ये पैसेज हमेशा पूछा जाता है, फॉर्मेट पेपर का यही रहता है, एक बड़ा सा पैसेज दिया जाएगा, उसको पढ़िए, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जल्दी से हम पढ़ देते हैं इसको, पढ़ने की आदत डालिए, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मीनिंग आनी चाहिए, वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। सी वाज ऑल ऑफ ए 1.5 ईयर ओल्ड, मतलब वह 1.5 मतलब 1.5 साल ईयर मतलब उम्र थी उसकी। 2 nurses were holding her down while a third was trying to insert a syringe into a vein to get a blood sample. 2 nurses ने क्या करूँ, उसको नीचे लिटा रखा था, और तीसरी नर्स उसके जो नसों में इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रही थी ब्लड सैंपल लेने के लिए। सी वॉज क्राइंग लाउडली, वह बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी, बट आई वॉज क्राइंग इवन लाउडर, ये कोई बता रहा है कि वो बहुत तेज चिल्ला रही थी और उससे ज़्यादा तेज मैं चिल्ला रही थी, मतलब उसकी मदर बता रही है ये कहानी। वी हैड नो ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इट वॉज द 5th day एंड द फीवर हैड नॉट ब्रोकन, ये 5वां दिन था और फीवर उतर नहीं रहा था। इट वॉज इम्परेटिव दैट वी रन द टेस्ट टू रूल आउट टाइफाइड, मतलब ये टेस्ट करना जरूरी था कि टाइफाइड तो नहीं है कहीं, टाइफाइड की में कई बार फीवर लगातार बना रहता है, उतरता नहीं है। दे फाइनली आस्क्ड मी टू लीव द रूम, नॉट जस्ट बिकॉज दे वर एम्बैरेस्ड एट ए ग्रोन अप क्राइंग, उन्होंने मुझे रूम छोड़ने के लिए कहा, मदर को कहा कि आप रूम छोड़ के चले जाइए, बिकॉज उनको बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही कि वो बहुत तेज़ी से चिल्ला रही थी, बढ़ती जा रही थी, तो उनको लगा कि इनको बाहर कर देंगे तो थोड़ा हो सकता है कि बच्ची ना चिल्लाए ना रोए। बट बिकॉज दे थॉट इट वुड बी ईजियर एंड क्विकर फॉर द चाइल्ड इफ द मदर वॉज नॉट इन द रूम, तो उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि ये आसान और जल्दी होगा अगर उसकी मदर चाइल्ड की वहाँ पर उपस्थित नहीं रहेगी रूम में। दे गॉट हर आउट विद इन ए फ्यू मिनट्स, दे गॉट हर आउट मतलब बहुत हर आउट विद इन ए फ्यू मिनट मतलब कुछ मिनटों में ही उसने उनको बाहर कर दिया। सी जम्प्ड इनटू माय आर्म्स, मतलब बिटिया को बाहर कर दिया, जो भी उनको ब्लड सैंपल वगैरह लेना था। सी जम्प्ड इनटू माय आर्म्स एंड गेव ए फ्यू मोर लाउड वेव्स, वो मेरी बाहों में आकर के गिर गई और क्या हुआ, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, फ्यू मोर मतलब कुछ और तेज तेज जो हो तो बिलाप उसने किया, लड़की ने जब इंजेक्शन लगा के बाहर भेजा तो मदर को बाहर भेज दिया था, तो लड़की गई और अपनी माँ से लिपट गई इस तरीके का। फ्रेश टीयर्स स्ट्रीम डाउन माई आईज एज वी मेड आवर वे आउट ऑफ द रेज्ड पैथोलॉजी लैब, तो फ्रेश टीयर्स स्ट्रीम्ड डाउन माई आईज मतलब मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे, और हमने कहा रेज्ड मतलब होता है बुरा, पैथोलॉजी लैब मतलब जैसे बुरा कहते हैं कि वो तो बहुत बेकार लोग हैं, बहुत बेकार पैथोलॉजी लैब है जहाँ ब्लड वगैरह निकाला जाता है। हर पीडियाट्रिशियन मतलब बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं। वॉज गेटिंग इन टू द बिल्डिंग जस्ट देन बिटवीन शॉप्स एंड आई टोल्ड हिम हाउ माई डॉटर हैड फ्लंग द सिरिंज एंड द लैब हैड टू हैव 3 attendants ऑन हर टू कलेक्ट द सैंपल, मतलब जैसे ही वो डॉक्टर आया तो उसने जल्दी से उसको पूरा सुबकते हुए सारा बताया कि मेरी बेटी के साथ डॉटर के साथ इस तरीके का हुआ, सिरिंज लगाकर किस तरीके से ब्लड लिया गया, 3 attendants 3 nurses लगी थी उसको किस तरीके से ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया। एज आई वॉज टॉकिंग माई वॉइस ब्रोक, मतलब जब मैं बात कर रही थी तो मेरी आवाज़ टूटने लगी, मतलब इतना इमोशनल होकर उसने डॉक्टर से बताया। टू माई सरप्राइज मतलब मेरे आश्चर्य था कि डॉक्टर पटेल हैंडेड मी टू हिज ब्रीफ केस, उन्होंने मुझे ब्रीफ केस अपना मुझे दिया एंड स्टेटोस्कोप जो गले में डॉक्टर यूज करते हैं। टुक माई गर्ल इन हिज आर्म, मेरी बेटी को अपने बाहों में लिया एंड वेंट टू द स्टोर जस्ट फ्यू पेसेस अवे, कुछ कदम दूर एक स्टोर था वहाँ ले गए। ही बॉट हर ए कैडबरी बार, वहाँ पर कैडबरी बार उसको दिलाई एंड माई डॉटर्स फेस लेट अप लाइक ए मिलियन बक्स, मतलब मेरी बेटी का चेहरा बिल्कुल चमकने लगा जैसे उसको बहुत बड़ी कोई चीज मिल गई। मिलियन बक्स मतलब बहुत, मिलियन मतलब आप समझ रहे हैं मिलियन में बक्स जैसे कोई पैसा मिल जाता है, कोई चीज इस तरीके की मिल जाती है, इस तरीके से उसका चेहरा खिल उठा इस तरीके से। गोन वर द टीयर्स, द मेमोरी ऑफ द सिरिंज, स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक कॉटन, एवरीथिंग रिसीडेड टू द बैकग्राउंड एज सी अनरैप्ड ऑन द बिग बार विद हर टाइनी फिंगर्स एंड डग ऑन टू द विद ऑल हर हार्ट। ही बॉट हर ए कैडबरी।
बार माई डॉटर, जब ये पूरा आप समझ गए होंगे। और ये सब क्या है, ये सब स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक की जो स्मेल आती है, सिरिंज की जो याद थी, वो सब क्या हुआ, उससे बिल्कुल दूर हो गया। ठीक है बच्चों, आई स्मेल्ड एज द एंजेलिक डॉक्टर हैंडेड मी माई प्रिंसेस। एंजेलिक मतलब जो एंजल जैसे देवदूत होते हैं, डॉक्टर ने मेरी प्रिंसेस को मुझे सौंप दिया, मैं मतलब मेरे आई स्माइल्ड मतलब मेरे चेहरे पर खुशी आ गई। इस तरीके से स्टोरी था कि एक मदर है, वो अपनी स्टोरी बता रही है पूरा कहानी में कि मेरी बेटी पैथोलॉजी लैब में गई, ब्लड कलेक्ट करना था और किस तरीके से नर्सें लगी, फिर जब डॉक्टर आए तो मैंने उनको पूरी बात बताई कि किस तरह से तीन नर्सों ने मेरे साथ बेटी के साथ इस तरीके से किया, वो रोने लगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से इसमें बताई गई हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है, हाउ ओल्ड वाज द चाइल्ड, चाइल्ड की उम्र क्या थी, तो 1.5 साल थी, तो चाइल्ड वाज 1.5 ईयर्स ओल्ड, पहले ही सेंटेंस में लिखा है, सिंपल है, एक नंबर का है। व्हाट डिड द नर्सेज हैव टू गेट ए ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल प्राप्त करने के लिए नर्सों को क्या करना पड़ा, द नर्सेज हैड टू होल्ड द चाइल्ड डाउन व्हाइल वन ऑफ देम ट्राइड टू इंसर्ट ए सिरिंज इनटू ए वेन टू गेट ए ब्लड सैंपल, वेन मतलब नसों को जिससे ब्लड निकालते हैं, तो नर्सेज को क्या करना पड़ा था, उसको होल्ड डाउन मतलब नीचे पकड़ करके रखना पड़ा था और तीसरी नर्स को सिरिंज लगा करके नसों से खून निकाल सैंपल लेना पड़ा, ये करना पड़ा और ये उसमें लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं, ये 3 नंबर का है। Why was the mother asked to leave the room? मदर को रूम छोड़ने के लिए क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें ऊपर पढ़ा था ना कि उनको ये लगा कि अगर मदर यहाँ नहीं रहेगी तो हो सकता है कि ये ना रोए और हमारे लिए आसान हो जाए ब्लड निकालना, तो ये द मदर वॉज आस्ड टू लीव द रूम बिकॉज दे थॉट इट वुड बी ईजियर एंड क्विकर फॉर द चाइल्ड इफ द मदर वॉज नॉट प्रेजेंट, तो उन्होंने सोचा कि यदि मदर यहाँ नहीं रहेगी तो हो सकता है कमरों हमारे लिए आसान और जल्दी हो जाएगा ब्लड निकालना, ये 3 नंबर का ये भी है। Why does the mother called the pathology lab wretched? Wretched मतलब होता है बुरा क्यों माना, wretched मतलब होता है बुरा, उसको खराब मानना किसी चीज़ को। The mother called the pathology lab wretched like because of the distressing and uncomfortable experience her child had while getting the blood sample taken। मतलब उसने इसलिए उसको बुरा कहा कि distressing मतलब होता है distress करने वाला, मतलब हतोत्साहित करने वाला, uncomfortable मतलब जो आरामदायक ना हो, experience उसके बच्चे को गुजरना पड़ा था जिसकी वजह से उसने उसको बुरा कहा कि ये पैथोलॉजी लैब सही नहीं है ब्लड सैंपल लेते समय जो किया था। हाउ डिड डॉक्टर पटेल काम डाउन द लिटिल गर्ल, डॉक्टर पटेल ने लिटिल गर्ल को कैसे शांत किया, तो डॉक्टर पटेल काम डाउन द गर्ल बाई बाइंग हर ए कैडबरी बार उन्होंने लेवाई और विच मेड हर हैप्पी, उसको जिससे वो खुश हो गई एंड डिस्ट्रैक्टेड हर फ्रॉम द प्रीवियस अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, और जिसने उसका ध्यान हटा दिया जो पहले जो उसके साथ जो बात हुई थी एक्सपीरियंस, मतलब जिस बुरे सदमे से वो गुजरी थी, अनप्लीजेंट मतलब जो मतलब खुशी देने वाला ना हो, बुरा जो एक्सपीरियंस अनुभव रहा था उससे उसका दिमाग हट गया था। एफ है सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज, एक नंबर का है, कह रहे इसके लिए टाइटल बताइए इस कहानी के लिए, तो इसका टाइटल सबसे अच्छा है मदर्स टीयर्स मतलब एक माँ के आंसू एंड ए डॉक्टर्स काइंडनेस, डॉक्टर बहुत काइंड दयालु था, उसको कैडबरी दवाई गोदी में लिया तो उसको बहुत खुशी हुई, तो ये मदर्स टीयर्स एंड ए डॉक्टर्स काइंडनेस ये इसका एक सुटेबल टाइटल हो सकता है। अब राइट द सिनोनिम ऑफ टाइनी, टाइनी का कह रहे हैं सिनोनिम बताइए, टाइनी मतलब होता है बहुत सूक्ष्म स्मॉल, तो सिनोनिम एक इसका टाइनी का स्मॉल हो सकता है। तो इस तरीके से बच्चों आप देखिए कि इसको अगर आप अच्छे से कर लें तो ये 15 नंबर का आप आसानी से कर सकते हैं, और पूरा का पूरा पेपर बहुत ही स्कोरिंग होता है, आप आसानी से अगर प्रैक्टिस कर लें 2-3 पेपर्स के पुराने प्रश्न पत्रों की और अच्छे से बुक में जो वोकेबलरी और सारे जो रूल्स होते हैं वो पढ़ लें, प्रीपोजिशन कंजक्शंस जो भी होते हैं तो वो सारा पढ़ लेंगे तो बहुत स्कोरिंग पेपर होगा आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस और भी पेपर के जो भी आपको ओल्ड मिले उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छे से उनको सॉल्व कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का दिन शुभ हो।